हेलो एवरीबॉडी, मैं निशा पांडे आपकी सबसे पसंदीदा फूड साइट स्ट्रीट फूड डॉट कैफे से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अमरावती के बारे में। अमरावती में अंबा देवी का मंदिर है। अंबा देवी मंदिर अंबा देवी के लिए समर्पित है और अमरावती के शहर के केंद्र में गांधी स्क्वायर पर स्थित इस प्राचीन आध्यात्मिक मंदिर का प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख है। और यह माना जाता है कि रुक्मणी राजा भीष्मक की बेटी ने शिशुपाल से अपनी शादी के एक दिन पहले ही इस मंदिर का दौरा किया था। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ से उनका अपहरण कर लिया था और बाद में उनसे शादी कर ली थी। देवी अम्बा का मंदिर राज्य के असंख्य भक्तों को आकर्षित करता है जो नवरात्रि और दशहरे के त्यौहार के दौरान की भारी संख्या में मंदिर का रुख करते हैं। उत्सव समारोहों के साथ मंदिर स्थल पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। भक्ति धाम मंदिर। श्री भक्ति धाम मंदिर अमरावती में स्थित एक भव्य मंदिर है। अमरावती में बदनेरा रोड पर स्थित श्री भक्ति धाम मंदिर में भगवान कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा की कई मूर्तियां हैं। यहां श्री संत जलाराम बप्पा की मूर्ति भी पवित्र गर्भगृह में स्थित है। मंदिर के पीछे एक छोटा सा पार्क बच्चों के लिए लोकप्रिय है। यह मंदिर टैक्सियों, ऑटो रिक्शा और तांगा के माध्यम से आसानी से सुलभ है। मेलघाट टाइगर रिजर्व। मेलघाट को एक बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 से 1974 में अधिसूचित पहले 9 बाघ रिजर्वों में से एक था। तापी नदी मेलघाट अभयारण्य के उत्तरी छोर के माध्यम से बहती है। नदी के जल ग्रहण के क्षेत्र के भीतर स्थित एक जंगल के माध्यम से कई विभिन्न प्रकार के वन्य जीव, वनस्पति और जीव दोनों यहाँ पाए जाते हैं। भुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो आरक्षित के मुख्य क्षेत्र का निर्माण करता है, उसका क्षेत्र 361.28 किलोमीटर से है। वादम ताला। वादम ताला चादूर रेलवे रोड पर स्थित है। अमरावती के आसपास के लोकप्रिय जलाशयों में से एक शहर में ताजा और स्वच्छ पानी की आपूर्ति करने के लिए बनाया गया था। आसपास के चिड़ियाघर और उद्यान यहाँ स्थानीय लोगों के लिए तनाव की स्थिति प्रदान करते हैं, जो सप्ताहांत के दौरान इस स्थान पर जाते हैं और नौका विहार का आनंद लेते हैं। यह बच्चों के लिए बेहद लोकप्रिय है। फिर मिलेंगे नए शहर में नए स्ट्रीट फूड के साथ। स्ट्रीट फूड डॉट कैफे से आपकी होस्ट निशा पांडे।